जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ये जो चार पॉइंट है ना, समाजशास्त्र, समाजीकरण, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकरण, सोशियोलॉजी, सोशलाइजेशन, सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, यह चार पॉइंट्स मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके दो प्रश्न पक्के आने वाले हैं और कम से कम 8 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 17 नंबर में आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आज यहाँ पे 17 नंबर हम कंफर्म करेंगे और इन चारों पॉइंट्स को आसान से शब्दों में हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र से कि समाजशास्त्र क्या होता है। तो अर्थ समझेंगे कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या होता है। तो देखिए, समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉगोस। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार से समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज का विज्ञान। इंग्लिश में भी लिखा है, द वर्ड सोशियोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द यूनियन ऑफ लैटिन वर्ड सोशियस एंड ग्रीक वर्ड लॉजोस, विच मीन्स सोसाइटी एंड साइंस रेस्पेक्टिवली। दस द मीनिंग ऑफ वर्ड सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी। मतलब समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है समाज का विज्ञान। तो ये हो गया इसके अर्थ के बारे में। अब आइए, सोशियोलॉजी को वर्ड ने कैसे डिफाइन किया। वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। बात वही हो गई, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछे कि समाजशास्त्र का महत्व क्या होता है, इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। समाजशास्त्र, जब आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, व्हेन यू विल डू स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, व्हाट एडवांटेज विल यू गेट। जब आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या उपयोग इसका कर सकते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। तो क्या है भैया, नॉलेज ऑफ सोसाइटी। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन से आपको समाज का ज्ञान होगा, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, सामाजिक सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक आचरण का ज्ञान होगा और साइंटिफिक सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक जो भी समस्या है ना उसका वैज्ञानिक समाधान मिलेगा। और टू अचीव सोशल एम ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये पॉइंट के अंदर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखिए, अगर ये वेरी लॉन्ग में पूछता है, बाकी अगर शॉर्ट में पूछता है तो पॉइंट जाल के छोड़ सकते हैं। बाकी ये पॉइंट ऐसे हैं कि जिसको आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है भैया, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, और इसके महत्व क्या है, ये इसके महत्व हो गए। अब हम चलेंगे दूसरा पॉइंट जो कि है समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, देखिए समाजशास्त्र तो मतलब समाज का आपको वैज्ञानिक अध्ययन था, अब समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। आप एक आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं, अरे वो सामाजिक इंसान नहीं है, वो समाज में उठने बैठने लायक नहीं है, वो समाज से तो अपने आप को दूर रखता है। वो कौन से लोग होते हैं जो कि अपने से मतलब रखते हैं, जबकि समाजीकरण का मतलब वो होता है कि जब आप अपने आप से हटकर समाज में प्रवेश करें, समाज के लिए सोचें, समाज सोशल एक्टिविस्ट बने और समाज के लिए कार्य करें, तब आप सामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, ओके, और अपने समूह के कार्य करने के ढंग को समझता है, लोगों से मिलजुल के कार्य करने के ढंग को समझता है, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के अनुकूल करता है तथा स्वयं को अन्य सदस्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे इंसान स्वयं को अन्य सदस्य समाज के दूसरे लोगों की तरह अपने आप को भी ढालने का प्रयत्न करता है। तो ये हो गया समाजीकरण का अर्थ। सेम चीज को इंग्लिश में भी लिखा गया है। अब आइए आप एक परिभाषा देखेंगे बोगार्ट्स के अनुसार, इस समाजीकरण की परिभाषा क्या है। अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। मतलब एक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में दूसरे लोगों के साथ कार्य करना और समूह के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना सीखता है, इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आई। अब एक इंसान अपना खुद से समाजीकरण करके एक सामाजिक इंसान बनता है, तो आप बताइए एक इंसान को समाजीकरण बनाने के लिए कौन कौन से कारक सहायक होंगे, कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा सहायक होंगे। एक इंसान समाजीकरण में सामाजिक इंसान कौन कब बन सकता है, सबसे प्रमुख कारक तो उसका परिवार है। एक परिवार ही एक इंसान को सामाजिक बनाता है, उसके आस पड़ोस, सामाजिक परिवेश,
मैत्रिक समूह है कि आपका मैत्रिक समूह कैसा है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप एक सामाजिक इंसान बनेंगे, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो आप सामाजिक इंसान नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड सर्कल भी एक सहायक कारक है समाजीकरण के लिए। शिक्षण संस्थाएं, आप कैसे संस्था में पढ़ते हैं। धार्मिक संस्थाएं, आप कैसे संस्थाएं में जाते हैं, आपके धार्मिक संस्था क्या है। तो ये मुख्य पॉइंट्स हैं, ये मुख्य कारक हैं जो एक व्यक्ति को सामाजिकरण बनाने में, एक व्यक्ति को सामाजिक करने में सहायक कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि समाजीकरण की विशेषताएँ या समाजीकरण की प्रकृति। अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते थे कि समाजीकरण एक ऐसा है, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण हमेशा चलती रहती है। कोई ज़रूरी है कि आप बचपन में भी सामाजिक नहीं, बड़े होकर भी समाजीकरण हो सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षित होती है। समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं और समाजीकरण में द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। एक समाजीकरण से एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में क्या होता है, हस्तांतरण होता है। एक समय से दूसरे समय से इंसान की प्रथाएं चलती रहती हैं। तो ये हो गया मुख्य पॉइंट। दोस्तों समाज और समाजीकरण के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है कि इंसान समाज की तरफ अपने आप को ढाले, और वहीं समाज शास्त्र का मतलब होता है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है, समाज शास्त्र। दोस्तों अगला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में समझते हैं। कई बार इससे प्रश्न पूछता है, तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता ये होता है कि धर्म के नाम पर आप किसी से भेदभाव ना करें, धर्म के नाम पर आप किसी को भेदभाव ना करें, आप किसी को छोटा या बड़ा ना समझें, हर एक धर्म का सम्मान करें, हर एक धर्म को एक जैसा समझें। वास्तव में यही धर्मनिरपेक्षता है, और हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसी चीज़ को देखते क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी भी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें, धर्म को आपको दूर रखना है, तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। यही वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्षता आप किसी धर्म से नफरत करने की बात नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता कहता है कि आपको अपनी धार्मिक विश्वास एवं मान्यताएं आप पूरी आज़ादी से मना सकते हैं। आप दिवाली भी मना सकते हैं, ईद भी मना सकते हैं, क्रिसमस भी मना सकते हैं। आप अपनी आज़ादी से आप धर्म की सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। कुछ लोग अगर नास्तिक है, वो किसी भी धर्म नहीं मानते, उनका भी सम्मान होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के नाम पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हर एक धर्म का सम्मान करेंगे और हर एक धर्म को एक समान नज़र से देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, या और धर्म आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये हर एक व्यक्ति का निजी मामला है कि वो कौन से धर्म को मानता है, जिससे राज्य तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करता जब तक विभिन्न धर्मों के मूल धारणाओं को आपस में टकराव की स्थिति न उत्पन्न है। अगर किसी धर्म की एक अवधारणा से दूसरे धर्म के अवधारणा में आपस में टकराव की स्थिति होती है, उस समय राज्य हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने धर्म की सम्मान इज्जत और आप अपने धर्म को आज़ादी से मना सकते हैं। तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखें और धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव ना रखें। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है भैया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता ये है कि देखिए, धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण है जो सभी धर्म का सम्मान करती है, जिसको कहते हैं सर्वधर्म संभाव की भावना प्रचलित होती है, जो कि धर्मनिरपेक्षता से सभी धर्मों का सम्मान होता है। और धर्मनिरपेक्षता से सभी को एक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। देखिए, गुलदस्ते में जितने भी फूल होंगे ना, जितने भी अलग अलग, वो गुलदस्ता उतना ही प्यारा होगा, और धर्मनिरपेक्षता वही एकता का सूत्र बांधने का कार्य करती है। हमारे देश में अलग अलग धर्म है और ये हमारे धर्म की, देश की खूबसूरती है। इससे किसी भी समुदाय या अन्य समुदाय के ऊपर वर्चस्व स्थापित नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता से ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म से वर्चस्व मान ले, उसके ऊपर हुकूमत करे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्म सम्मान होते हैं, सर्वधर्म संभाव की भावना होती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक रखने का कार्य करती है। और धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य क्या होता है, नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना, जो सभी धर्मों के मूल्य उद्देश्य भी है। तो ये हो गई धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, इस वीडियो को यही खत्म करेंगे एक आखिरी पॉइंट के साथ, वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वो मॉडर्न फैमिली है, अरे वो मॉडर्न लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए
प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जिससे ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सके, तो यही मॉडर्नाइजेशन होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके प्राकृतिक चीज़ों से आपको ज़्यादा लाभ लेना है, तो इसी को मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण कहते हैं। अब आप पहले फ़ोन से बातें करते थे, लैंडलाइन से, अभी मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, 5G 2G, ये सब क्या है? आधुनिकरण और मॉडर्नाइजेशन के पार्ट हैं। अब एक मोबाइल से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो वही प्राकृतिक संसाधनों से आप ज़्यादा उपयोग करके ज़्यादा लाभ ले रहे हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके। वास्तव में यही क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकरण होता है। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन सच ए वे दैट मोर प्रॉफिट कैन बी अर्न। ठीक है, अब देख लेते हैं, श्यामचरण दुबे जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है आधुनिकरण का। आधुनिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से चली आ रही व्यवस्था को तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, द मॉडर्नाइजेशन इज सच अ प्रोसेस बाई विच द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम इस चेंज थ्रू द टेक्नोलॉजी। ये हो गया मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा। अब मॉडर्नाइजेशन की विशेषता, आधुनिकरण की विशेषता ये है कि आधुनिकरण निरंतर चलती है। आज मोबाइल है, हो सकता है आगे जमाने में कुछ और इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चीज़ है। आधुनिकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, एक दिन में ये चीज़ें खत्म नहीं होती, ये निरंतर चलती है और बहुत समय बाद जाके ख़त्म होती है। यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है, यह गतिशील और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ, मॉडर्नाइजेशन जैसे मान लीजिए आपकी समाज ने किसी आधुनिकरण को अपना लिया, अब वापस आप उसको नहीं जा सकते, अपरिवर्तनीय, आगे की तरफ जा सकते हैं लेकिन अपने पुरानी चीज़ों को नहीं अपना सकते। अगर आपसे कोई कहे कि आप बैलगाड़ी पे बैठ के कहीं दूसरी जगह सफ़र करिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब ट्रेन, जहाज, मे बी रॉकेट या अलग चीज़ें आ गई हैं, तो आधुनिकरण में हम इंसान बिल्कुल शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आधुनिकरण के शिक्षण की विधियाँ अगर देखें तो योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा एवं भाषण विधि। आधुनिकरण में शिक्षक की भूमिका आप स्वयं भी लिख सकते हैं। आधुनिक विधियों में निपुण होना चाहिए, जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए, सकारात्मक सोच और अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला चाहिए, समस्त भाषाओं का ज्ञान रखने वाला एवं सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने वाला शिक्षक होना चाहिए, और शिक्षक को शिक्षण के साथ साथ रेडियो, टेलीविजन आदि का प्रयोग भी आना चाहिए, आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग आना चाहिए, और आधुनिक तकनीकी समस्याओं का जानकारी रखने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा टोटल 4 पॉइंट, समाजशास्त्र, समाजीकरण, धर्म निरपेक्ष, आधुनिकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से कम आपके 2 प्रश्न मिलेंगे आपके परीक्षा में। आप इस वीडियो को देख लिए तो आप निश्चिंत रहिए, आपके 15 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे बस चीज़ों को समझिए, अपनी भाषा में एक 4 पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को देखते रहिए रिवीजन के तौर पे, ये आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट में अपनी राय कैसे देते हैं, क्या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर कोई साथी मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस ID से मेरा अकाउंट है, आप मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई सुझाव या कोई मशवरा दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन पर क्लिक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।